हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निखिल मेनियर्ड और आज लोग हम आपके सामने लेकर आए अपनी ब्राइडल ज्वेलरी। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरी ब्राइडल ज्वेलरी कैसे लग रही है आप लोगों को। अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ये फर्स्ट वाली ज्वेलरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गोल्डन कलर की है और ये छोटा सेट है उसके बीच में और बड़ा वाला इसका लॉन्ग है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं ईयरिंग और मेहंदी और रिंग टीका और कान के ऑर्डर के दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हो ये नथिया, कान टीका, कान का ईयरिंग आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड ज्वेलरी के पास। आप देख सकते हो कितनी शाइनिंग कलरफुल है, ये रेड कलर की ज्वेलरी है और इसमें जो है ऑरेंज भी मिला हुआ है, रेड भी मिला हुआ है, वाटर कलर का स्टोन बैठा हुआ है इसका पूरा सेट है। क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है इसलिए मैंने ज्वेलरी को डिब्बे में ही ऐसे सजा के रखा है, आप देख सकते हो। तो गाइस, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और गाइस, का जो ऊपर का दिख रहा है वो बाजू बंद है, इसको मैं गले के पास ही रखता हूँ। और हम चलते हैं तीसरे ज्वेलरी के पास। ये जो मेरा तीसरी ज्वेलरी है ऑरेंज और गोल्डन स्टोन्स में है। आजकल इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हर लहंगे पर चल जाता है, चाहे जैसा लहंगा हो हर लहंगे पर ही चल जाता है। और आप देख सकते हो ये दो सेट में है, इसके कान के भी हैं, मांग टीका है, नथिया है, सारे दिखते हैं आपको। फिर हम आपको ले चलते हैं चौथी ज्वेलरी के पास। आप देख सकते हो ये मेरी चौथी ज्वेलरी जो है गाइस, इसको मैंने बहुत पहले ले लिया था, अभी इसका कलर डिसकलर हो चुका है। ये देवदास मूवी पर सूर्य राय उन्होंने इस कलर का पहन रखा था, तो ये मैंने लिया था तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और इन सबकी प्राइस भी मैं आपको बताऊँगा, कान का ईयरिंग्स वगैरह सब है। और फिर हम चलते हैं पाँचवीं ज्वेलरी पे। ये पाँचवीं ज्वेलरी आप जो आप देख रहे हैं ये सोनम कपूर की शादी में सेम ऐसे सोनम कपूर ने पहन रखा था, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने मार्केट से उठा लिया। और ये बहुत कलरफुल है, ये हर लहंगे पर ये भी चल जाता है। और इस टाइम आप देख सकते हो इन नथिया है, मांगटिका है, मांग मेहंदी है, कान का रंग है। फिर हम चलते हैं इसका सेट देख सकते हैं, ये लॉन्ग और इसमें ये आपको मिलेगा साइड में जो मुस्लिम लोग लगाती हैं वो मिल जाएगा आपको, और इसका छोटा सेट है। उसको चलते हैं सबसे लास्ट वाली ज्वेलरी पे। ये मेरी ज्वेलरी देख सकते हैं आप, बहुत पुरानी हो चुकी है, कलर मैरून है और ग्रीन है, वाटर कलर है, आप देख सकते हैं स्टाइलिंग है। और इन सब की हम आपको प्राइस बता देते हैं। तो ये वाली जो है इसकी प्राइस है 1800 रुपये। इसमें मुझे सारे सेट्स मिले हैं, आप देख सकते हो एक चीज़ मिला जो रहना चाहिए ब्राइडल ज्वेलरी में। और वो जो दिख रहा है वो जोड़ा बीन है, बाल में लगाते हैं, पर इसमें नहीं मिला तो मैंने उसे अलग से रखा है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाली ज्वेलरी पर। ये जो आप देखते हैं रेड कलर की ज्वेलरी और वाटर कलर में, इसको मैंने लिया था 2500 में। और हम ले चलते तीसरी के रेट बताते हैं। ये जो मेरी तीसरी वाली ज्वेलरी है 3550 की थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल थी, पर ये सब ज़्यादा ये चलता है मेरा ज्वेलरी और इसी का सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट वाली ज्वेलरी पर। ये जो जो मेरी ज्वेलरी है ये 1800 रुपये में थी और इसमें सारी चीज़ मिले थे मुझे, और इसमें शाइनिंग अभी तक है, पर ये थोड़ी सी डिसकलर हो चुकी है इसलिए ये थोड़ी फिट गई है, नहीं तो ये भी चलती थी। और फिर आ जाते हैं अपनी वाटर वाली ज्वेलरी पर। ये देख सकते हैं ये भी ज़्यादा डिमांड चल रही है इसकी, और इसकी प्राइस थी 2100 रुपये। तो मुझे अच्छी लगी, मार्केट से मैंने ले लिया था। और ये जो ज्वेलरी है ये 1000 रुपये की थी गाइस, और ये मुझे 1000 रुपये में मिली थी, बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इसे ले लिया। इसका भी ज़माना तो चलने का लेकिन अब नहीं चल रही है गाइस। मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी जो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं बंद करना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय।